वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस सेवन्थ क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आज आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है स्टॉपिंग फॉर ओलंपिक गोल्ड। ये चैप्टर है जॉन वुडरफ के बारे में, जो ओलंपिक के विनर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनकी लाइफ में कैसा वो आगे बढ़े, क्या क्या उन्होंने फेस किया और कैसे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। The torch is lit and the summer Olympic begin. टॉर्च यानी शमा जल चुकी है और समर ओलंपिक्स स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा टॉर्च यहाँ पर ये बड़ी टॉर्च नहीं है जो हम अब यूज करते हैं। ओलंपिक गेम्स के लिए ना एक मशाल टाइप होती है, आप सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, वैसे आपकी बुक में भी बनी हुई है। एक मशाल होती है तो जब ओलंपिक स्टार्ट होते हैं तो वो मशाल जला दी जाती है, जब खत्म हो जाते हैं तो उसको फिर बुझा देना। ठीक है, द ईयर इज 1936। ये कब की बात है? 1936 की बात है। बर्लिन जर्मनी, जर्मनी में बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, बर्लिन वहाँ पर ये गेम्स ऑर्गेनाइज हुए। हिटलर वॉचेस फ्रॉम द स्टैंड्स, यानी कि जब की बात है जब जर्मनी में हिटलर का रूल था तो हिटलर जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं स्टैंड्स में, ऑडियंस में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। जॉन वुडरफ एंड 8 अदर रनर्स क्राउच ऑन द ट्रैक रेडी टू रेस। जॉन वुडरफ और 8 दूसरे रनर्स यानी कि उनके साथ कॉम्पिटिटर्स जो थे वो सब क्राउच करके बैठे हुए हैं ट्रैक पर, यानी कि बिल्कुल रेस के लिए तैयार है। ऐसे बैठते हैं ना जमीन पर जब रेस कर रहे होते हैं तो ऐसे बैठे हुए बैक एंड दे आर ऑफ। जैसे ही स्टार्टिंग पिस्टल की आवाज़ उन्होंने सुनी और उन सब ने ही दौड़ना शुरू कर दिया। बिहाइंड द लीडर, लीडर के पीछे जॉन वॉज वेटिंग टू मेक हिज मूव फर्स्ट। जॉन अपने मूव को फर्स्ट बनाने की का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा वो आगे बढ़े तो वो लीडर से एकदम आगे नहीं जा सकते, उसके बाद वो उससे आगे जाएंगे। ठीक है, तो वो अपने मूव को फर्स्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अदर रनर्स कम अप बिसाइड हिम, तो दूसरे जो रनर्स थे यानी कि वो और 7-8 लोग जो थे वो उनके उनकी तरफ आ गए हैं। ही वॉज बॉक्स्ड इन, और वो बॉक्स्ड इन हो गए। बॉक्स्ड इन का मतलब क्या होता है कि उनको चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया है। ठीक है, इफ ही पुशेस थ्रू द रनर्स, अगर वो किसी भी रनर को पुश करते हैं ही माइट बी डिस्क्वालीफाइड ऑन अ फाउल, तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं फाउल के तौर पर कि आपने फाउल कर दिया, किसी को धक्का दे दिया, लेकिन वो सब उनके साथ साथ भाग रहे हैं, उनको आगे भी निकल रहे हैं। द मोस्ट डेयरिंग मूव, ही कम्स टू अ कंप्लीट स्टॉप, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा हिम्मत का काम किया। जो वहाँ के मीडिया पर्सन थे उन्होंने इसको कहा कि बहुत डेयरिंग मूव था कि ही कम्स टू अ कंप्लीट स्टॉप, वो बिल्कुल रुक गए रनर्स पास ही और सारे रनर्स ने उनको पास कर दिया, यानी कि सब उनसे आगे 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 चले। ही रेसिस फ्रॉम द लास्ट एंड लास्ट प्लेस टूवर्ड्स द फिनिश लाइन, फिर वो दो लाइन और पीछे के लिए पीछे गए और वहाँ पर जाकर के वहाँ से बिल्कुल दोबारा जो स्टार्टिंग लाइन थी वहाँ से उन्होंने अपना सफर शुरू किया, कहाँ तक के लिए फिनिश लाइन के। द क्राउड स्टैंड्स एंड गैस्प्स विद जॉन विद ओलंपिक गोल्ड। अब जब जॉन वुडरफ कंप्लीट स्टॉप पर आ गए, पहले स्टॉप पर उसके बाद वापस वो स्टार्टिंग लाइन पर गए और वहाँ से उन्होंने दौड़ना शुरू किया, तो पूरा का पूरा क्राउड जो खड़ा हो गया और आपस में ये बात करने लगा कि क्या जॉन ओलंपिक गोल्ड जीत पाएंगे, क्या वो गोल्ड मेडलिस्ट बन पाएंगे, तो सबके बीच में एक तरीके से एक गहमा गहमी हो गई। इट इज़ अ ड्रीम ऑफ मैनी यंग एथलीट्स टू वन अ गोल्ड मेडल ओलंपिक्स। ये ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना या ओलंपिक्स में फर्स्ट आना, सबसे आगे रहना, हर यंग एथलीट का सपना होता है। हर कोई ये चाहता है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट बने, उसे गोल्ड मेडल मिले। बट जॉन सैड, लेकिन जॉन ये कहते हैं कि आई नेवर थॉट आई हैड दैट मच टैलेंट टू विन अ गोल्ड मेडल। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं कोई गोल्ड मेडल जीत पाऊँ। ही ग्रीव इन अ पुअर फैमिली, अब उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हम जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि अभी हम रेस को हमने स्टॉप करके अब फ्लैश बैक में जा रहे हैं कि पहले उनके पीछे का क्या बैकग्राउंड है। ही ग्रीव इन अ पुअर फैमिली, वो एक बहुत गरीब फैमिली में उनका लालन पालन हुआ। इन द स्मॉल टाउन ऑफ कॉलिन्सविल पेंसिल्वेनिया, छोटे से टाउन में कॉलिन्सविल के जो पेंसिल्वेनिया में। बॉर्न ऑन जुलाई 5th 1915, उनका जन्म 5 जुलाई 1915 को हुआ था। ग्रैंड सन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, वो जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है शायद कि था ना जो गुलामों को लेकर चले जाते थे एंड ज़्यादातर अफ्रीका से लेकर जाते थे, तो उनके दादा या परदादा वगैरह जो वो गुलाम थे। ठीक है, 11th of 12 चिल्ड्रन टू सिराजन सारा वगैरह, तो वो अपने माँ बाप के 12 बच्चों में से 11वें नंबर पर थे और उनके पेरेंट्स के नेम्स हैं सिराजन सारा वगैरह।
उनके पास एक गिफ्ट था, गिफ्ट मतलब एक नेचुरल को गिफ्ट दे रखा था, वो क्या था, ही रन फास्टर देन एनीवन इन टाउन, वो अपने पूरे टाउन में सबसे ज्यादा तेज भागते थे, ठीक है, उनसे तेज कोई नहीं भाग सकता था, एंड इट वुडंट टेक हिम लॉन्ग टू प्रूव इट, और इस बात को प्रूव करने में उन्हें ज्यादा समय भी नहीं लगा, बहुत ही जल्द इस बात को उन्होंने प्रूव कर दिया और सबको मानना भी पड़ा। जॉन ज्वाइन फुटबॉल टीम इन हाई स्कूल, हाई स्कूल में जब वो हाई स्कूल में थे तो उनके स्कूल में छुट्टियों के बाद एक फुटबॉल टीम थी जो अपनी प्रैक्टिस करते रहते थे, तो उन्होंने भी फुटबॉल टीम ज्वाइन कर ली। कोचेज नोटिस दैट जॉन रन कंसिस्टेंटली अहेड ऑफ द अदर्स, तो जो कोचेज थे उन्होंने नोटिस किया कि जॉन वुडरफ जो है वो हमेशा ही सबसे आगे रहते हैं, मतलब लगातार सबसे आगे ही वो भाग रहे हैं, सबसे आगे ही वो चल रहे हैं बाकी और जो रनर्स हैं उनके कंपेरिजन। ही हैड पोटेंशियल बट हिज मॉम मेड हिम क्विट द टीम, उनके अंदर पोटेंशियल था कि वो इसको कंटिन्यू कर सकें, इसको अपना करियर बना सके, लेकिन उनकी मॉम ने उनको टीम छोड़वा दी। ही हैड टू कट वुड एंड ब्रिंग इन कोल, सो फुटबॉल हैड टू गो, तो काफ़ी सारे बहन भाई थे और गरीब भी थे, तो हर किसी को अपना अपने हिस्सा काम करना पड़ता था, तो उनका ये काम था कि उनको लकड़ी काटनी थी फिर उसका कोयला बनाना था, तो इसलिए भी उन्होंने कहा कि सो फुटबॉल हैड टू गो, तो इसलिए फुटबॉल को उनको छोड़ना पड़ा। माई चोर्स केम फर्स्ट, तो उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि मेरे जो काम है, जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वो पहले हैं, फुटबॉल बाद। ही लेफ्ट स्कूल, कुछ दिनों बाद उनको स्कूल भी छोड़ना पड़ा अपना, बट नोबडी वाज हायरिंग दैट टाइम, लेकिन उस टाइम ना कोई जॉब नहीं थी उनके पास, क्योंकि उस टाइम टाइम जो चल रहा था वो टाइम था मंदी का टाइम, ठीक है, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे थे, जैसे इस वक्त का हाल चल रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसे उस टाइम का हाल था कि कोई भी न्यू हायरिंग्स नहीं ले रहे थे, बहुत सारे लोग वैसे भी अपने अपनी जॉब से हाथ धो चुके थे और नए लोगों को जॉब मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। सो ही ज्वाइन स्कूल अगेन, तो उन्होंने दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लिया। कोच आस्क जॉन टू ज्वाइन द ट्रैक टीम, तो फिर जब वापस स्कूल आए वो, तो उनके कोच ने उनसे कहा कि दोबारा से आप ट्रैक टीम ज्वाइन कर लो, यानी फुटबॉल टीम ज्वाइन कर लो, इज वॉज ऑल्सो अप्रूव, अब इस बार उनकी माँ ने भी अप्रूव कर दिया कि हाँ तुम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अब कुछ काम है नहीं ऐसा करने के लिए, तो उन्होंने फिर दोबारा से टीम ज्वाइन कर ली। ही ब्रोक स्कूल काउंटी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट रिकॉर्ड्स ऑन द ट्रैक टीम, अब वो ट्रैक टीम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि पहले आपकी क्लास में आपका कॉम्पिटिशन अपनी क्लास के बच्चों से होता है, फिर उसके बाद और क्लासेस के बच्चों से होता है, फिर पूरे स्कूल से, फिर दूसरे स्कूल से, ऐसे ना लेवल वाइज चलते रहते हैं, तो ऐसे ही पहले उनका अपने स्कूल में उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, मतलब जो पहले का रिकॉर्ड बना हुआ था उससे ज़्यादा उनके मार्क्स आए, ज़्यादा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, फिर काउंटी का, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का, फिर स्टेट का रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है। ट्रैक टीम में ही ट्रैवल 9 feet विद ईच स्टेप, वो एक कदम में 9 feet का सफर तय करते थे, 9 feet का उनका एक कदम होता था, इसलिए उनका नाम सबने लॉन्ग जॉन रख दिया। In 1935, he broke the high school national mind record in 4 minutes 23.4 seconds. और 1935 में उन्होंने high school national mind record, ये कोई organization होगी या जो games वगैरह खिलवाती है, उसका record उन्होंने तोड़ा, कितने मिनट में, 4 minutes 23.4 seconds, ठीक है। तो ये chapter अभी आधा हुआ है आपका, फिलहाल मैं आपको ये chapter यहीं तक करवाऊँगी, ये आपका homework है। होमवर्क में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ करना है पेज नंबर 21 और 22 में से, ठीक है, लेकिन ये काम आपको बुक नहीं करना है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करना है आपको पेज नंबर 23 से, और वो करना है आपको ग्रामर कॉपी, ठीक है। क्या आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। अल्लाह हाफिज़।